आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन साड़ी कोल हैगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट इट्स सर्कम सर्कल एट DEF respectively, यानी कि डायग्राम सानू ये कह रही है कि जस्ट स्टेटमेंट सानू ये कह रही है कि डायग्राम इसकी किस टाइप दी है। पहला साडे कोल एक सर्कल है, मैं सर्कल ड्रा करदा, थोड़ा बोल्ड ड्रा कर लेने सर्कल। ये मान लो साडा सर्कल है, ठीक है। हुण एदे विच असी एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, रेड कलर दे विच मैं ट्रायंगल बना रहा हां एबीसी। ए साइड होगी मेरी ए बी, ते ए वाली साइड होगी मेरी बी सी, ते ए वाली साइड होगी मेरी सी ए जा ए सी तुसी कह सकते हो। हुण की है, मैंने ए बी सी दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ए बी सी दे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ए दा एंगल बाइसेक्टर जिवें तुसी देख सकते हो कि मेरे को इस पॉइंट ते आके मीट करेगा, जिन्हों मैं नाम देता डी। ये बिल्कुल हाफ हाफ एंगल दे विच इन्हों डिवाइड कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसे तरीके नाल तुसी बी दा एंगल बाइसेक्टर देख रहे हो, इत्थे आके मैच करेगा, इन्हें भी इन्हों इक्वल इक्वल एंगल दे विच डिवाइड किया, ठीक है, जिन्हों नाम देता मैंने ई। उस तो तुसी देख सकते हो कि सी दा एंगल बाइसेक्टर जिहड़ा इत्थे आके मैच करेगा, ठीक है, इन्हें भी इन्हों इक्वल इक्वल पार्ट दे विच डिवाइड किया, ते जिन्हों नाम देता मैंने एफ। ते हुण मैं इन्हां नूं जे ज्वाइन करदा ब्लैक कलर दे नाल, मैं इन्हां नूं ज्वाइन कर रहा, साइड काफ़ी हो चुकियां ने, इस करके लैंग्वेज नूं ध्यान नाल सुनियो कि मैं केड़ी साइड दी गल कर रहा, ठीक है, नहीं ते कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो उस तों बाद मैनूं क्वेश्चन च की कहा गया है, प्रूव दैट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर दिस this and this respectively, यानी कि जिहड़ा नवा ट्रायंगल बनया उसदे एंगल साडे कोले की ने, यानी कि असी ए वाले एंगल फाइंड करने हैं, ई वाला एंगल, डी वाला एंगल, एफ वाला एंगल, ओ असी प्रूफ करने हैं कि ए वाले एंगल ने साडे, ठीक है। तो हुण इहनूं प्रूफ करन दे लई सब तो पहला मैं तुसी देख सकदे हो कि मैं गल कर रहे हां इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल दे विच, ठीक है, जिहदे असीं एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है, उस दे विच जिहड़ा एंगल डी है वह मेरा किस चीज़ के बराबर है, एंगल ई डी एफ, यानी कि मैं उन्होंने शॉर्ट च डी लिखा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस एंगल नूं मैं दो पार्ट दे विच प्लस करके लिख सकदा कि एंगल ई डी ए प्लस एंगल ए डी एफ, यानी कि आ दोनों एंगल दे सम दे विच, ई डी ए प्लस एंगल ए डी एफ। हुण तुसी देख सकते हो इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझना इंपॉर्टेंट है कि ए सॉरी ई डी ए वाला एंगल जिहड़ा कि इस आर्क दे उपर बन रहा है, ठीक है, मैं सॉरी मैं गलत लै गया, मैं दोबारा ड्रॉ करदा इस चीज़ नूं, दोबारा ड्रॉ करदा मैं ब्लैक कलर दे विच। हाँ ए ई, इस तो बाद आ डी वाली लाइन आ गई, इस तो बाद ए ए, ठीक है, ई डी ए वाला एंगल जिहड़ा इस आर्क नाल ए ई आर्क नाल बन रहा है। हुण इसी आर्क नाल जेकर सर्कल दे किसी होर पॉइंट दे उपर कोई एंगल बन रहा है तो वह भी बिल्कुल सेम होगा, यानी कि मैं कहना चाहुंदा कि ए ई दे नाल, यानी कि इस आर्क दे नाल सर्कल दे किसी होर पॉइंट दे उत्ते बनिया होया एंगल भी डी एंगल दे नाल बिल्कुल सेम होगा। तो यानी कि हुण मैं कह सकदा कि इहदी जगह ते मेरे कोल की आ जूगा ई बी ए, ठीक है, इस डी एंगल की जगह ते मेरे कोल की आ जूगा बी एंगल। तो हुण मैं इस चीज़ नूं इरेज कर रहा क्योंकि नहीं डायग्राम सानूं समझ नहीं आनी अगे वाली चीज़ां नूं करन दे लई, ठीक है, इस चीज़ नूं मैं इरेज कर देना। हुण उस तो बाद नैक्सट एंगल दे लई फिर मैं ब्लैक कलर चूज कर रहा, ठीक है, ए डी एफ दे नाल जिहड़ा की एंगल है इस आर्क के उपर बन रहा है, तुसीं देख सकते हो ए डी एफ,
ठीक है। हुण इसे आर्क के नाल जेकर सर्कल दे किसी होर पॉइंट ते जिवें तुसीं देख सकदे हो कि सी पॉइंट ते इसे आर्क नाल एक होर एंगल बन रहा है तां ओह दोनों की होणगे बिल्कुल सेम होणगे, यानी कि मैं इहदी जगह ते लिख सकदा ए सी एफ, ठीक है। तो सेम ही हुण मैं इस चीज नूं भी इरेज कर दिंदा, नहीं सानूं समझ नहीं आनी क्वेश्चन दे विच। ये भी साड़ा इरेज हो गया, ये चीज भी साड़ी इरेज हो गई, ठीक है। हुण उस तो बाद तुसीं देख सकते हो कि ए बी ए यानी कि ई बी ए, सॉरी ई बी ए यानी कि ए वाला एंगल एक ही है मेरे पूरे एंगल का की है हाफ है, क्योंकि मैंने एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, इस करके मैं इनू की लिख सकता एंगल बी बाई टू। उस तो बाद ए सी एफ यानी कि ए वाला, ये भी बिल्कुल हाफ है सी एंगल का, तो मैं लिख सकता एंगल सी बाय टू। ए किदे बराबर आ गया मेरा एंगल डी दे बराबर, तो यानी कि मैं लिख सकता कि एंगल डी मेरे को बराबर आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी बटा टू। हम बाकी दी असी कटांगे नहीं, असी सिमिलरली लिख दांगे। ये सिमिलरली की है, एंगल ई है जेड़ा वो किस चीज दे बराबर आ जाऊगा साडे कोले एंगल सी प्लस एंगल ए बटा टू, ते एंगल एफ है जेड़ा वो साडे कोल किन्ना आ जाऊगा एंगल ए प्लस एंगल बी बटा टू। उस तो बाद सानू एक चीज पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी कि ट्रायंगल दे तिन्ने कोणां दा जोड़ साडे कोल किन्ना आंदा है 180। मैं इथों हुण ए वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हां, इन्हां नूं मैं सिमिलरली लिखूंगा, इन्हों सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी दी वैल्यू मेरे को किन्नी आ गई 180 माइनस ए, 180 माइनस एंगल ए। थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, ठीक है। उस तो बाद की है तुम देख सकते हो कि दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा, जेकर मैं इसे एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाय टू बराबर है 180 बटा दो माइनस ए बटा दो, ठीक है। तो ए मेरे को सॉल्व करके कितना आया एंगल बी प्लस एंगल सी बटा दो बराबर है 90 माइनस एंगल ए बटा दो। हम तुम देख सकते हो कि इस चीज की वैल्यू मेरे को की है जी मैंने ऊपर फाइंड की हुई है डी, तो यानी कि मैंने की है इथों डी पॉइंट डी एंगल कट लिया किन्ना है मेरे को एंगल बी प्लस एंगल सी बटा टू। तो तुम देख सकते हो कि एक एंगल मेरे को ए बी है, ठीक है, एक ही एंगल आया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला एंगल डी मेरे को आ गया। सिमिलरली असं ई ते एफ बिल्कुल सेम तरीके नाल इथों कट सकते हैं, ठीक है। 180 वाली एंगल तो पहला बी एंगल उधर ले जाके फिर सी एंगल उधर ले जाके, ठीक है। तो ये साडा आंसर वाली बात। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।